नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मीता किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दूध वाली दलिया। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है खसखस, जिसे कि हम पॉपी सीड भी कहते हैं, पोस्ता दाना, और इलायची ले लिया है 2 से 3, और फिर मैंने यहाँ 1 कटोरी दलिया ले लिया है, और मखाना ले लिया है मैंने 1 कटोरी ही, और बादाम को मैंने सोख करके रख दिया था। और यहाँ पर हमने दूध ले लिया है जो कि हमारा आधा लीटर दूध है। फिर हमें क्या करना है, बादाम जो सोख किया हुआ है उसके छिलकों को निकाल लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैंने यहाँ बादाम किया। आप और भी जैसे पिस्ता वगैरह आप जो भी ऐड करना चाहें, ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बादाम को छील लिया अच्छी तरीके से। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे पोस्ता दाना, जो कि हमारा 10 से 15 मिनट के लिए भिंगा करके रखा था पानी में, उसे ऐड कर लेंगे और इसका एकदम प्यूरी तैयार कर लेंगे। पोस्ता का दाना यानी खसखस में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है और इससे रोजाना खाने से दांत और हड्डियों की कमजोरी कम होती है, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, जो भी आपको फूड ऑयल पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बेस्ट टेस्ट के लिए और फ़ायदेमंद वाली बना रहे हैं, तो इसमें हमने देसी घी डाल दिया है। तो देसी घी डालने के बाद हल्का सा हमें इसे रोस्ट करना है, हल्का सा ब्राउन होने देना है मखाने को। फिर 2 से 3 मिनट बाद इसे हमें निकाल लेना है प्लेट में। फिर इसमें हमें ऐड कर लेना है घी को, लगभग मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है। और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे दलिया, दलिया जो हमारी 1 कटोरी दलिया है उसे ऐड कर लेंगे। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल रहती है, तो आप इसे पैकेट का ख़रीद सकते हैं। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं दलिया को। दलिया को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। 1 कटोरी दलिया खाने का महत्व आप जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा होता है। आपकी कैलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम करता है, कब्ज में राहत देता है, और बच्चों के विकास में तो ये फ़ायदेमंद बहुत होता है, और मांसपेशियों को तो बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। इसके अनेक फ़ायदे हैं। फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे दूध को। तो दूध हमारा आधा लीटर था, तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड करके भी बना सकते हैं आप के अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी, लगभग हाफ कप मैंने पानी इसमें ऐड कर लिया है, हाफ कप से भी थोड़ा कम था। फिर उसके बाद थोड़ी देर में हम इसे ऐड कर देंगे दलिया। दलिया ऐड कर देने के बाद आपको कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है। आप देख सकते हो दूध में उबाल आ चुकी है। तो अब इसमें हमें ऐड कर लेना है दालचीनी को। दालचीनी भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और तो और ये हड्डियों को भी मजबूत करता है, और इससे क्या होता है ना, एक स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। तो इसे ऐड करने के बाद इसमें हमें ऐड कर लेना है बादाम और जो खसखस था यानी कि पोस्ता दाना, उसका जो हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया था उसे ऐड कर देना है। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और इसको स्लो फ्लेम पे पकने देना है। तो आप देख सकते हो इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी थिक होती जा रही है। अब इसमें हमें ऐड कर देना है धागे वाली मिश्री। धागे वाले मिश्री के भी अनेक फायदे हैं, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और तो और इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है। इसे खाने से महिलाएं हड्डियों को कमज़ोर होने से बचा सकती हैं। और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे मखाना। मखाने के भी बहुत ही अलग अलग गुण हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, इससे क्या होगा, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो हम जान लेते हैं मखाने के फ़ायदे। तो मखाने से फैट के बिना प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना हेल्दी बन रहा है हमारा दलिया। फिर इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है 2 से 3 मिनट तक बस। तो आप देख सकते हो ये थिक भी हो गया है हल्का हल्का, और जो हमारा दलिया है वो सॉफ्ट हो चुका है। फिर इसे हमें सर्व कर लेना है प्लेट में और इन्जॉय करना है इस हेल्दी नाश्ते को डेली मॉर्निंग में। तो आप देख सकते हो इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।